जय साथ सब लोग, बड़ी खुशखबरी है कि बिहार शिक्षक भर्ती का जो फेज टू था, जी हाँ, बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 का दूसरी चरण की भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो गई है। आवेदन की तिथि भी शुरू हो गई, इस नवंबर में आवेदन होगा और परीक्षा की तिथि भी घोषित हो गई है। और साथ साथ ये भी है कि परीक्षा की तिथि आगे भी बढ़ाई जा सकती है और आवेदन करने का जो समय भी आगे बढ़ाया जा सकता है, किंतु पूरी तरह स्पष्ट हो गया कि बिहार शिक्षक भर्ती का आवेदन 3 नवंबर से शुरू हो गया। जी हाँ, 3 नवंबर से आप सभी आवेदन कर पाएंगे। यह 2023 के लिए अभी तक बिहार शिक्षक भर्ती की एक और बड़ी भर्ती है। अगर इन भर्तियों की बात करें तो बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 है, यहाँ पर विज्ञापन जारी हो चुका है। अदर स्टेट को भी मौका, मैंने उत्तर प्रदेश या राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मतलब बिहार के बाहर के जो भारत के नागरिक हैं उनको भी मौका मिला है। मैंने इसमें बिहार के साथ साथ अदर स्टेट के अभ्यर्थी भी इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। इसके लिए सीटेट पेपर 2 अनिवार्य है। अगर आप जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए जा रहे हैं तो BTC, DLED और BEd तीनों अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ सीटेट पेपर 2 पास होना अनिवार्य है। और अगर पास नहीं है, अपेयरिंग में भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अंतिम परिणाम आने से पहले, माने जो अंतिम परिणाम होता है, रिजल्ट होता है, उसके आने से पहले आपको सीटेट पास होना अनिवार्य है। तो मुझे लगता है दिसंबर सीटेट हो रहा है, दिसंबर सीटेट पेपर 2 जो अभी तक नहीं पास है उनके लिए मौका है कि वो अपेयरिंग में फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा, यस्टेट के लिए बात करें तो यस्टेट में 2 पेपर होता है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। तो ध्यान रहे, जो यस्टेट पेपर फर्स्ट देंगे वो 9 और 10 में शिक्षक बनने के लिए, जबकि यस्टेट पेपर जो सेकंड देंगे वो 11 और 12 के लिए। लेकिन जब हम बात करते हैं सीटेट की, जो हमारे मन में और आपके मन में सीटेट आता है, सीटेट पेपर 2, तो ये जो फॉर्म भरते हैं ये 6 से लेकर 8 तक के लिए, ये सीटेट पेपर 2 6 से 8 तक। सीटेट जो पास होंगे वो मैथ और साइंस में होंगे, मैथ साइंस एक होगा, SST अलग होगा। बाकी जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित जितने भी वीडियो है, एक मैंने वीडियो बना रखी है, इसके पहले वो अपलोड हो चुका है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं, जहां पर मैंने पूरे सिलेबस की चर्चा किया है कि सीटेट पास होने के बाद जूनियर में कैसे आवेदन करना है, सीटेट की तैयारी कैसे करनी है, सीटेट अंग कितने, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाकर डाली है, वो अभी जाकर आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, इलानी भी दुर्गेश के। सीटेट में पास होना जरूरी है, 82+ वाले भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर आपका 90+ है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप 82+ अपने कैटेगरी में पास है तो इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपने देखा महिला उम्मीदवारों को वहां पे लिया गया, आपके पास समय है। अगर आप 82+ अगर आपका डर है तो अपेयरिंग में डालकर सीटेट का पेपर दे लीजिए। अगर मान लीजिए सीटेट का परिणाम आ गया तो ठीक है, लक बाय चांस नहीं आता तो इस मार्कशीट से भी आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन सपोज दैट अपने बचने के लिए, कि कई बार क्या होता है कि आप डर जाते हैं, फॉर्म नहीं भरते, बाद में मौका आपको मिलता है, इसलिए फॉर्म जरूर भरिएगा। वैसे आपकी मर्जी, मेरी व्यक्तिगत सलाह थी, और मेरी निःशुल्क क्लासेज भी लर्निंग पे दुर्गेश के माध्यम से जब भी मुझे मौका मिलता है मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि सीटेट पेपर 2 जो पास है वो जूनियर शिक्षक भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में अगर मैं बात करूं सीटेट पेपर 2 से, जो जूनियर में 6 से लेकर 8 तक देंगे, उसमें BTC, DLED और BEd के अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन BEd के अभ्यर्थियों को इसके अलावा भी मौका मिल रहा है। अगर इसके अलावा की बात करें तो यहाँ पर जो 9, 10, 11, 12 इन दोनों में BEd के अभ्यर्थी, मैंने 9, 10 और 11, 12 में केवल BEd के अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे, लेकिन उनके लिए सीटेट पेपर फर्स्ट 9, 10 के लिए होगा। ध्यान रहे, यहाँ पे स्टेट पेपर फर्स्ट 9, 10 के लिए होगा, स्टेट पेपर सेकंड 11, 12 के लिए होगा। तो अगर ये दोनों जो पास है वही आवेदन कर पाएंगे, अदर स्टेट के भी अभ्यर्थी यहाँ पर है वो जनरल में काउंट होंगे। ठीक, इसके जो मुख्य परीक्षा, आगे इसके हम पूरी बात करते हैं, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। अच्छा, वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, इसको लाइक करने के साथ साथ इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। और कोई प्रश्न, कोई सवाल हो तो वीडियो में कमेंट करिएगा। इससे जुड़ा हुआ सभी वीडियो इलर्निंग विद दुर्गेश यूट्यूब चैनल पर है, वहां पे आप देख सकते हैं। अब यहां पर आपके सामने हम यहां पे देखें तो कई महत्वपूर्ण बातें आती हैं कि यह कह रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग हो गया द्वितीय अध्यापक नियुक्ति। ध्यान दीजिएगा, ये द्वितीय अध्यापक नियुक्ति है, मतलब बिहार लोक सेवा आयोग 2.0 पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत शिक्षक और प्रधानाध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित आवश्यक सूचना। ये सूचना कैसी है? बहुत ही आवश्यक है। आइए आवश्यक सूचना को भी हम आपके साथ ध्यान समझते और पढ़ते हैं। देखिए, इससे जुड़ी जो क्लास है, वीडियो हो, टेलीग्राम पर आपको मिलेगी। टेलीग्राम पर आप दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर देख सकते हैं। पूरी सिलेबस की वीडियो मैंने बनाकर डाल दी है, वो जाकर आप वीडियो में देख सकते हैं। और पूरी तरह से NCERT पर आएगा, माने जो पूरा पैटर्न है NCERT पर आएगा, क्योंकि BPSC करा रही है, आपने लेवल देख लिया है तो NCERT फोकस होगा। NCERT के नोट्स भी आप ई लर्निंग विद दुर्गेश से प्राप्त कर सकते हैं।
जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। द्वितीय अध्यापक नियुक्ति, ध्यान दीजिए यहां से आप नियुक्ति एवं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत शिक्षक और प्रधानाध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि मध्य विद्यालय की बात करें 6 से लेकर 8 तक है, जिसे हम जूनियर के लिए जानते हैं। तो ये जो मध्य विद्यालय है इसके लिए आपको सीटेट, ध्यान दीजिए मैं फिर से लिख दूंगा, सीटेट पेपर 2 पास होना जरूरी है, चाहे वो साइंस हो या एसएसटी हो। एसएसटी वाले जो है वो भाषा का भी चयन कर सकते हैं, जैसे जूनियर में संस्कृत है, अंग्रेजी है, हिंदी है, उर्दू है, अरबी है, या मैथिली है, बंगाली है, भोजपुरी है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं एसएसटी वाले। साइंस वाले साइंस और मैथ में जाएंगे। अब ये क्लियर नहीं है कि साइंस का अलग और मैथ का अलग होगा, साइंस मैथ का एक साथ परीक्षा होगी। ध्यान रहे यहाँ 80 नंबर के सवाल आते हैं, सिलेबस मैंने वीडियो बनाई है। ये हो गया, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये मध्य विद्यालय हो गया जो 6 से लेकर 8 तक है। माध्यमिक वर्ग की बात करें जो 9-10 से होगा, 9-10 के लिए आपको एस्टेट पास होना जरूरी है। जिन्होंने एस्टेट दिया है वही ये दे पाएंगे एस्टेट पेपर फर्स्ट। ध्यान रहे एस्टेट पेपर फर्स्ट देने वाले व्यक्ति जिन्होंने दिया है वही इसमें आवेदन कर पाएंगे, और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक इनमें केवल बीएड के अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। बीएड वो भी जो एस्टेट पास है, ध्यान रहे जो एस्टेट पास है बीएड वही अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। जबकि 6 से लेकर 8 तक जो मध्य विद्यालय है, मध्य माध्यमिक विद्यालय है, वहां पर सीटेट के पेपर 2 पास या अपेयरिंग वाले आवेदन कर पाएंगे। बीटीसी, बीएड, डीएलएड तीनों प्रकार के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर पाएंगे, जिन्होंने ग्रेजुएशन के साथ 2 वर्ष को प्रशिक्षण लिया है। अब 11-12 के लिए वही उच्च माध्यमिक की बात कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित माध्यमिक शिक्षक स्नातक प्रशिक्षित एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक स्नातकोत्तर प्रशिक्षित अध्यापन से संबंधित ऑनलाइन आवेदन, मैंने इन सब के जो ऑनलाइन आवेदन है वो 3 नवंबर से शुरू हो गया। जैसा कि मैंने शुरू में बताया इसमें आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 3 नवंबर से शुरू हो चुकी है। जी हाँ, 3 नवंबर से, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये नवंबर के पहले सप्ताह से इसका आवेदन शुरू हो जाएगा। यहाँ पे देख लिया, 3 नवंबर से आवेदन शुरू हो गया और 14 नवंबर तक चलेगा, मतलब 11 दिनों तक इसमें आवेदन हो पाएगा। माने फॉर्म भरने का समय कम मिला, सर्वर पर भी लोड पड़ेगा। आप लोग जैसे ही फॉर्म खुलता है सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि बिहार शिक्षक भर्ती का आवेदन करना है, क्योंकि अगर आप आवेदन कर लेंगे तो एक प्रक्रिया आपको समझ में आ जाएगी, बाद में चलकर सर्वर पर दिक्कत भी होती है, इसलिए अपने डॉक्यूमेंट की पीडीएफ भी बना लीजिएगा। ये बीपीएससी का रहेगी तक संभावित है, संभावित का मतलब है तिथि बढ़ाई भी जा सकती है 1-2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, लेकिन आपको यही तिथि निश्चित मानकर अपने फॉर्म को भरना है। कुछ लोग ये बात को लेकर परेशान होंगे कि सर हमें संभावित का मतलब क्या हो गया, क्या हम इसके पहले बाद में, हो सकता है डेट ना बढ़े, मैं आपसे कह दूं डेट बढ़ने वाला, लेकिन संभावित मत कह, डेट बढ़ भी सकता है। हाँ, नोट्स देखिए, नोट्स आपको मिल जाएगा, उसके लिए आप ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर काले व्हाट्सएप करिएगा। समय कम है, पीडीएफ नोट्स उपलब्ध है पूरा, आप सभी विषयों की आप यहां से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस का नंबर है। उच्च परीक्षा का आयोजन देखिए, ध्यान दीजिएगा, परीक्षा 7/12/2023 से 10/12/2023 तक होगा, माने परीक्षा भी दिसंबर में होना है, अक्टूबर खत्म है, नवंबर और दिसंबर, आपके पास 30 दिन का समय है। 30 दिन में बेहतर तैयारी करने के लिए आप केवल एनसीईआरटी को फोकस करिएगा। एनसीईआरटी आपके लिए काफी मोटा, एनसीईआरटी के कोशिश ये करिएगा नोट्स पढ़ने के लिए। एनसीईआरटी के पूरे नोट्स लेने पर दुर्गेश उपलब्ध है, यहाँ से आप कॉल या व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। कोशिश करिएगा व्हाट्सएप, क्योंकि कॉल बहुत ज्यादा आते होंगे इसलिए शायद बात ना हो पाए। और अन्य सूचनाओं के लिए आप लेने पर दुर्गेश से टेलीग्राम पर जोड़ सकते हैं, जहां पर आपको निःशुल्क सीरीज और नोट्स पीडीएफ मिलते रहेंगे। 94-51-062-078 ये लर्निंग विद दुर्गेश का ऑफिस का नंबर है, यह आपके लिए काफी मददगार हो सकता है। यहाँ पर भर्ती संबंधी सभी सूचनाएं आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। तो यहाँ पर हमने एक बार देख लिया कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 11 दिन है और परीक्षा 3 दिन होने वाली है। तो अब आपको एक बात क्लियर हो गई कि भैया अब कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया, अब आपको तैयारी करनी है। अब एक सवाल हो रहा है कि सर मैं सीटेट नहीं पास हूं, मैं पेपर 2 देना चाहता हूं, अपेयरिंग में आवेदन कर ले, फिर कह रहे हैं सर अगर दिसंबर में पेपर हो जाता है और सीटेट तब तक ना हुआ रहे, तो देखिए सीटेट होने के उसके रिजल्ट आने से पहले, अगर इसका रिजल्ट, ध्यान दीजिएगा, रिजल्ट आने से पहले आपको सीटेट पास हो जाना है। तो हो सकता है जैसे इस बार भी हुआ, सीटेट के रिजल्ट आने के बाद ही बीपीएससी ने अपने परिणाम को घोषित किया था, उसी प्रकार इस बार भी होगा कि हो सकता है कि जब तक, क्योंकि संभावित है, लेकिन जो सीटेट पास है वो तो आवेदन करें ही करें, लेकिन जो सीटेट नहीं पास है वो रिस्क जरूर लेंगे, हो सकता है सीटेट भी वो पास हो जाए और बिहार में उनको सरकारी शिक्षक बनने का मौका मिल जाए। कुछ लोग ऐसे बीटीसी बीएड बीटीसी के अभ्यर्थी जिनका प्राइमरी में नहीं हो पाया, वो घबरा रहे थे, तो उनके लिए एक मौका बेहतरीन है, क्योंकि 32,000 पद सबसे ज्यादा पद जो है वो 6 से लेकर 8 तक में है जो सीटेट्स है, और जो उन्होंने ये स्टेट परीक्षा नहीं दी है बिहार में, वो बीएड के अभ्यर्थी भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं बताऊंगा इसके लिए शर्त है सीटेट आपके पास पास होना चाहिए। सीटेट के भी नोट्स उपलब्ध है, यहाँ पर आप ले सकते हैं लर्निंग विद दुर्गेश से विज्ञान और गणित का। जूनियर के पूरे सिलेबस के बारे में और 9-10-11-12 के पूरे सिलेबस के बारे में ई लर्निंग विद दुर्गेश पर वीडियो पोस्ट हुई है, आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। पूरे सिलेबस पर स्टेप बाय स्टेप चर्चा हुई है, कोई बिंदु उसमें नहीं छूटा है। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, कोई प्रश्न, कोई सुझाव कोई आपके मन में आता है, इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाएंगे, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, यहाँ पे सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। और
और अगर आपको व्यक्तिगत सवाल है लर्निंग विद दुर्गेश इंस्टाग्राम पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। सबसे बड़ी बात है बिहार शिक्षक भर्ती संबंधित सभी खबर इस नंबर के व्हाट्सएप से मिल जाएंगे और टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है दुर्गेश सर बिना स्पेस के, और एनसीईआरटी के नोट पढ़ना चाहते हैं लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप से पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को सभी मित्रों को शेयर करिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे तो हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाएगी। कई वीडियो को नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता तो टेलीग्राम पर उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, नोट्स आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, ठीक है। और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा। लाइक करिएगा तो मुझे खुशी होगी कि मेरे पढ़ाए आपने सपोर्ट किया। अगर वीडियो को शेयर करेंगे तो औरों की मदद हो जाएगी आपकी वजह से। इसके अलावा भी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा उपयुक्त तिथि में बदलाव हो सकता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक और लाइन कह रहा है कि जो उपयुक्त तिथि है यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर उपयुक्त तिथि में बदलाव हो सकता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा ये उपयुक्त तिथि है, इसमें बदलाव हो सकता है। अगर बदलाव होगा तो आपके लिए फायदा, आपको पढ़ने का तैयारी करने का मौका मिल जाएगा। इसलिए मैं शुरू से लगातार कह रहा हूँ अपनी तैयारी पर फोकस रहें, अपनी तैयारी पर बेस्ट अपना देते रहें, और ध्यान रहे कम समय बेहतर तैयारी करने के लिए लर्निंग विद दुर्गेश की नोट्स आपके लिए बेस्ट होगी। और जो एनसीईआरटी की, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस पर जितना ज्यादा फोकस करेंगे उतना सिलेक्शन के करीब पहुंचेंगे। अगर आप कहेंगे देखिए 40 नंबर सबके लिए कॉमन है, इस 40 नंबर की जो सेशन सीरीज है वो हम आपके लिए जीएजी की विविध का वो हम आपके लिए लेकर आएंगे। उसके अलावा एसएसटी और मैथ की एक क्लास हम आपके लिए डेली का डेली देंगे। आप कमेंट करिएगा, अगर आप सपोर्ट करेंगे आप साथ देंगे तो मेरी इनिशियल क्लासेज होंगी। अगर आप कहेंगे थ्योरी बेस्ड थ्योरी एमसीक्यू मेथड से पढ़ना चाहेंगे तो एमसीक्यू मेथड से आपके लिए आएगा। जो आप सजेस्ट करेंगे उस पर हम मंडे से आपके क्लासेज लाएंगे। ये 30 दिन की महामैराथन क्लास होगी जहां पर हम हर एक क्लास को दो दो डेढ़ घंटे में तैयारी करेंगे ताकि कम समय में हम ज्यादा तैयारी कर पाएं आपके साथ, क्योंकि मुझे आपके सिलेक्शन तक पहुंचाना है। और बिहार का पेपर स्टैंडर्ड आपने देख लिया, उसका लेवल बहुत हाई रहने वाला है। हाँ, लेकिन इस बार पेपर थोड़ा सरल होगा क्योंकि पिछली बार आयोग ने माइनस मार्किंग भी हटाया था। अब हो सकता है इस बार विकल्प की संख्या 5 की जगह 4 हो जाए। तो नोट्स लिए जो भी आप लोग कॉल कर रहे हैं वो इस नंबर पर कॉल करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा, क्योंकि कॉल करने से बचिएगा, यहां पर आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ऐप के माध्यम से लर्निंग विद दुर्गेश ऐप भी प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। टेलीग्राम पर जरूर जुड़िएगा, टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है दुर्गेश सर बिना स्पेस के। जैसे आप दुर्गेश सर सर्च करेंगे ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उसे आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। दुर्गेश सर बिना स्पेस के सर्च करना है, ठीक है। टेलीग्राम पर जुड़े रहिएगा क्योंकि कई बार वीडियो अपलोड होने के बाद उसका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाता, ठीक है। आप सभी का थैंक यू, वीडियो को शेयर करिएगा, आप सभी को दिल से शुक्रिया आपने वीडियो को लाइक और शेयर किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। और अगर आपका कोई व्यक्तिगत सवाल कोई सुझाव इस वीडियो में कमेंट करिएगा, हम आपकी उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं इस बार आपका सिलेक्शन जरूर होगा। बीएड के अभ्यर्थियों को 3 मौके हैं, वो जूनियर टीजीटी पीजीटी में दे सकते हैं, लेकिन बीटीसी डीएलएड के अभ्यर्थी केवल जूनियर में दे सकते हैं। इसलिए जूनियर की पद संख्या सबसे ज्यादा है, लगभग 32,000 पदों की संख्या भी बढ़ाई घटाई जा सकती है और आवेदन करने की तिथि बढ़ाई जा सकती है। एक बार बातों को मैं रिपीट कर देता हूँ, 3 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक बिहार शिक्षक भर्ती का फॉर्म आवेदन होगा, उसकी तिथि भी बदला हो सकता है, लेकिन मानकर वही चलिएगा। परीक्षा तिथि 7 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए लिखा है उपयुक्त तिथियों में बदलाव हो सकता है, लेकिन आप उन्हीं तिथियों को मानकर अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। आपके लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, मुझसे जो भी सहयोग चाहेंगे मैं कमेंट करेगा, मैं आपके लिए अधिकतम सहयोग देने का प्रयास करूंगा। और आप सभी के लिए मैराथन क्लास कल से जो शुरू होने वाली है उसके लिए कमेंट करिएगा किस विषय की मैराथन सबसे पहले चाहते हैं, हम आपके लिए मैराथन क्लास जरूर लेकर आएंगे। थैंक यू सभी का, जय हिंद।